हाय फ्रेंड्स, नमकीन सर्च टीम हेयर। और आप लोगों को मेरा नाम तो पता ही है, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। मेरा नाम अमीना है और आज हम एक और सॉन्ग पर रिएक्ट करने वाले हैं। अगेन बांग्लादेश, मेरा फेवरेट। सही है, ये है तोर मुनर पिंजरे। आई एम सॉरी, हमेशा आप लोगों के लिए गलत प्रोनाउंस करती हूँ, इसीलिए शायद आप लोग मुझे कमेंट में जो है वो रेक्टिफाई करते हैं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, लास्ट मुझे एक व्यूअर ने बहुत अच्छा कमेंट किया था जो बहुत अच्छा लगा मुझे। इट वाज लाइक कि अगर अमीना तुम्हें सीखनी है लैंग्वेज एंड यू वांट टू लर्न आवर वोकैबुलरी, जस्ट ड्रॉप योर व्हाट्सएप नंबर। और वो रेडी था मुझे टीच करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड, मैंने आपको उस पर रिप्लाई भी किया है थैंक यू का। अच्छा लगता है जब आप लोग हमारी वीडियो पर लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं, अपने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसकी बेसिस पे ही हमारा दिल चाहता है कि हम आपके उन कमेंट्स को रिव्यू करें, सो दैट जो आप चाहते हैं कि हाँ नेक्स्ट इस सॉन्ग पे हम रिएक्ट करें या इस मूवी पे हम रिव्यू आप लोगों को दें, तो वही आप लोगों की फरमाइशी प्रोग्राम हम पूरे कर रहे होते हैं। सो लेट्स प्ले। इस सॉन्ग में क्या है, ये अंकुर मोहम्मद का है, सॉरी महामुद का है। सुनते हैं इसमें आज क्या नई स्टोरी हमारे सामने आती है जिस पर हम बात करना चाहेंगे। सारी प्रैक्टिकल चीज़ें ही होती हैं जो आजकल अपनी सोसाइटी में चल रहा होता है। आई गेस लव स्टोरी है। खुश रहता है जब सच्ची मोहब्बत वाला आपको मिले। अरे सरकारों में चरलम में जगत संसार तबुओ से पसन बंधु हईल नाय आमार आमार दुखे कांदे आकाश कांदे रे जमीन নিদয়া তুই পাশন বন্ধু এতরে কঠিন যার কারণে ছাড়লাম আমি জগত সংসার তবু সে পাশন বন্ধু হইল না আমার আমার দুঃখে কান্দে আকাশ কান্দে রে জমিন নিদয়া তুই পাশন বন্ধু এতরে কঠিন তোর মনের পিঞ্জিরায় তুই করে দিলি ঠাই কারে এত করলি আপন পর করে আমায় তুই ভালো থাকিস বন্ধু আমার সুখে থাকিস রোজ তোর স্বপ্নে আমি আসবো ঠিকই নিতে তোর খোঁজ তোর মনের পিঞ্জিরায় তুই কারে দিলি ঠাই কারে এত করলি আপন পর করে আমায় তুই ভালো থাকিস বন্ধু আমার সুখে থাকিস রোজ তোর স্বপ্নে আমি আসবো ঠিকই নিতে তোর খোঁজ চলে নেবে জোনা কি দিয়ে যায় আলো তুই ছাড়া একলাই আমি কেমনে থাকি ভালো এ ভরা যোজনায় তুই কার পাশে কার বুকে তে মাথা রাখিস কারে ভালোবেসে তোর মনের পিঞ্জিরায় তুই কারে দিলে ঠাই কারে এত করলি আপন পর করে আমায় তুই ভালো থাকিস বন্ধু আমার সুখে থাকিস রোজ তোর স্বপ্নে আমি আসবো ঠিকই নিতে তোর খোঁজ আমার
রোজ হাসরে চাইবো তোরে খুদার খাজানায়, তখন যদি হায় তোরে না পাই নিজের জীবন বৃথা ভাব্য করার কিছু নাই, এ রঙের দুনিয়ায় আমার চাওয়ার কিছু নাই, রোজ হাসরে চাইবো তোরে খোদার খাজানায়, তখন যদি হায় তোরে না পাই নিজের জীবন বৃথা ভাব্য করার কিছু নাই, তোর মনের বিনজিরায় তুই করে দিলে ঠাই, করে এত করলি আপন পর করে আমায়, তুই ভালো থাকিস বন্ধু আমার সুখে থাকিস রোজ, তোর স্বপ্নে আমি আসবো ঠিকই নিতে তোর খোঁজ, তোর স্বপ্নে আমি আসবো ঠিকই নিতে তোর খোঁজ, তোর স্বপ্নে আমি আসবো ঠিকই নিতে তোর খোঁজ। फ्रेंड्स मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों को इस एक सॉन्ग के कितने सारे मीनिंग निकलते हैं ना, अगर हम उस पर बात करें ना दो दो मिनट में हम इस पर बात कर सकते हैं। पहले तो जो उस लड़की ने किया उसके साथ, वही जो हमें हमेशा से नज़र आता है कि उनका आपस में था एक कपल एंड सम हाउ लड़की की शादी कहीं और हो जाती है एंड वो किसी और का। पहले तो सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है, पता नहीं हमारे पास ये बदनज़री कब ख़त्म होगी। इट्स लाइक अगर कोई लड़की अच्छी कहीं पर नज़र आती है तो आप क्यों उस पर जाके अपनी नीयत ख़राब करते हैं, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। अगर आपको इतना ही होता है तो हमारे मज़हब में हमारी सोसाइटी में एक बहुत अच्छा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया गया है निकाह का, अगर कोई आपको समझ में आता है आप उसे पसंद करते हैं जस्ट गेट मैरिड, ठीक है आप अपनी लाइफ आसान करें दूसरों की ज़िंदगी आसान करें, बट इस तरीके से दूसरों को देखना एंड क्या हुआ एट लास्ट, बहुत अच्छा किया उस लड़की ना, मैं सीरियसली इस पर बहुत उससे खुश हुई जो एक्ट ही शी डिड कि उसने वो डंडा उठा के उसके सर पे मारा एंड ख़त्म कर दिया किस्सा, ठीक है उसके लिए वही बेयरेबल था। लेकिन फिर वो लड़का आया जिस तरीके से एंड उसने उसको, वो उसकी मोहब्बत थी जो उसके अफेक्शन था, उसने कहा कि यू गो एंड उसने वो इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया। बट वहीं पर क्या हुआ कि उस लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, मतलब बहुत सरप्राइजिंग था। अब यही समझ में नहीं आया जो उसमें मैसेज नहीं दिया कि उस लड़की की शादी बाय फोर्स हुई या उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की, द वे शी वॉज़ एक्टिंग विद हर हस्बैंड जिससे ये क्लियर हो रहा था कि ज़बरदस्ती तो कहीं से नज़र नहीं आ रही थी, शी वॉज़ वेरी हैप्पी। बट एट एंड वो जेल में उससे मिलने भी जाती है एंड आई गेस कुछ हुआ उसके साथ वहाँ पर कि शायद उसके हस्बैंड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया या वो शायद वो एक्सपायर हो गया, समहाउ कुछ हुआ पर उसकी मोहब्बत वापस उसी के पास लौट कर आई कि जहाँ पर उन दोनों को एक होना पड़ा। बट बैड लक था लड़की का क्योंकि लड़का तो जेल में था एंड समहाउ वो पागल हो जाती है और रास्ते में घूमने लगती है और पता नहीं क्या क्या उसके साथ हो रहा होता है। तो ठीक है ये इंसान की अपनी लाइफ होती है, अपनी फीलिंग्स होती है कि सम टाइम आप किसी के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि अगर वो बंदा आपको ना मिले तो शायद आप उसके लिए पागल हो जाते हैं। बट वहीं पर कभी कभार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि अगर आप किसी को धोखा देते हैं ना, किसी के फीलिंग्स के साथ खेलते हैं या किसी के दिलों पर आप राज करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप अपनी बारी का ज़रूर वेट कीजिएगा क्योंकि दिस इज़ कर्मा, जैसा आप करते हैं वैसा ही आपके साथ होना होता है। मजबूरियाँ बाकी चीज़ें हार्डशिप लाइफ की सब अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन अगर आप जानबूझ के किसी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं स्पेशली लोगों के दिलों के साथ जिसमें वो डिवाइन अथॉरिटी, जिसमें वो अल्लाह का नूर होता है, जिसमें वो दीन दुनिया का मालिक होता है, उन दिलों के साथ अगर आप खेलने की कोशिश करते हैं तो फिर अपनी बारी का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। Anyways, thank you so much हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए एंड स्पेशली आपके कमेंट्स मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ, देखती हूँ जिसमें आप लोग मुझे एडमायर कर रहे होते हैं, आपकी उसमें जो लव होता है मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, टेक केयर।